आज बनाएंगे एक ऐसी रेसिपी जिसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है, और वो है ब्राउनी, जिसे आज हम बनाने वाले हैं गेहूं के आटे से। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। व्हीट ब्राउनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1/4 कप आलमंड लिया है। इसमें ज़रा सा सॉल्ट डालेंगे, बिल्कुल 1 पिंच, और 1 छोटी चम्मच पानी, जिससे कि जो नमक है वो आलमंड में अच्छे से कोट हो जाए। इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। मैंने यहाँ पे 1/2 कप चॉकलेट कंपाउंड लिया है, इसे कट करके मेल्ट करेंगे। मैं यहाँ पे इसे थोड़ा छोटे पीसेज में कट कर रही हूँ, जिससे कि इसे मेल्ट करने में ईजी हो। आप चाहें तो आप इसे माइक्रोवेव भी कर सकते हैं, 30 सेकेंड्स के लिए इसे मेल्ट करें, मिक्स करें, वापस से माइक्रोवेव करें। मैं यहाँ पे डबल बॉयलर प्रोसेस यूज़ कर रही हूँ। डबल बॉयलर प्रोसेस के लिए यहाँ पे एक पैन में थोड़ा सा पानी बॉयल करेंगे, उसके ऊपर इस बोल को रख देंगे, और ये जो चॉकलेट हमने कट किया है वो डाल देंगे। इसे चलाते हुए मेल्ट करेंगे। ये प्रोसेस करने से एक बात की श्योरिटी होती है कि चॉकलेट आपका जलेगा नहीं, जबकि अगर आप बिगिनर हैं और आप माइक्रोवेव यूज़ कर रहे हैं तो चॉकलेट जलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसीलिए आई सजेस्ट कि अगर आप पहली बार ये रेसिपी बना रहे हैं तो डबल बॉयलर प्रोसेस से ही चॉकलेट को मेल्ट करें। चॉकलेट अब अच्छे से मेल्ट हो चुका है, बस 2 मिनट ही लगते हैं चॉकलेट को मेल्ट होने में। अब इस चॉकलेट को साइड रख देंगे। 15 मिनट हो गए हैं, तो अब आलमंड को थोड़ा रोस्ट करेंगे मीडियम फ्लेम पे। इसे 3 से 4 मिनट तक रोस्ट करेंगे, जब तक कि इसमें से बहुत ही अच्छी से खुशबू आने लगे। क्योंकि हमने आलमंड में सॉल्ट डाला है, इसलिए आप इस पैन में ऊपर जो वाइट सा देख रहे हैं वो उसकी वजह से है। ये बहुत ही आराम से वॉश हो जाता है। आलमंड अब अच्छे से रोस्ट हो चुका है, तो इसे एक बोल में निकाल लेंगे। आलमंड को हमें थोड़ा थोड़ा सा क्रश करना है। अगर आप चाहें तो आप इसके लिए ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं। उसे पल्स मोड पे बस 2 सेकंड के लिए ऑन करें और फिर उसे चेक करें। हमें इसे फाइन पाउडर नहीं बनाना है, बस थोड़े छोटे से चंक्स हो जाएं। इस तरह से छोटे बड़े चंक्स क्रश करके इसे रेडी कर लेंगे। अब एक पैन में 1/2 कप यानी कि 113 ग्राम बटर मेल्ट करेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे मेल्ट करेंगे। बटर अब अच्छे से मेल्ट हो चुका है, तो फ्लेम को बंद कर देंगे और बटर को थोड़ा रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। मतलब बटर इतना गर्म हो कि आप उसे हाथ से टच कर पाएँ। आज ब्राउनी को पैन में बेक कर रहे हैं, इसके लिए इस पैन में 1/2 कप नमक डालेंगे। ये रेगुलर वाला नमक है जो खाने में यूज़ होता है। इस पर इस तरह का कोई स्टैंड रख देंगे जिस पर हमारा केक टिन रख के बेक करेंगे। इसे ढक के लगभग 10 से 15 मिनट के लिए प्रीहीट होने देंगे। जब तक हमारा ये होममेड ओवन प्रीहीट हो रहा है, तब तक ब्राउनी का बैटर रेडी कर लेते हैं। ब्राउनी बेक करने के लिए मैंने यहाँ पे केक टिन को पार्चमेंट पेपर लगा के रेडी कर लिया है। अगर आपके पास पार्चमेंट पेपर ना हो तो आप बटर से भी ग्रीस करके केक टिन को यूज़ कर सकते हैं। जो बटर हमने मेल्ट किया था वो अब एक बोल में डाल देंगे। मेल्टेड चॉकलेट को भी इसमें ऐड कर देंगे। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हमारे बाकी के इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कप गेहूं का आटा लिया है, 1 बड़े चम्मच कोको पाउडर, 1/2 छोटे चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 छोटे चम्मच बेकिंग सोडा, 3/4 यानी कि 3/4 कप शुगर। इन सारी चीज़ों को शिफ्ट कर लेंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पे पिसी हुई चीनी का यूज़ किया है। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप जैगरी का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें 1/2 कप वार्म मिल्क डालेंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिल्क बिल्कुल लूक वार्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, बस इतना कि आप इसे फिंगर से टच कर पाएँ। इसे बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए हमें। अब जो आलमंड हमने चॉप करके रखा था वो इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा मैंने बचा लिया है ऊपर से डालने के लिए। इसे भी बस एक बार हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे और केक टिन में ट्रांसफ़र कर देंगे। जो बचा हुआ आलमंड था वो इसमें ऊपर से डाल देंगे। हमारा होममेड ओवन भी रेडी हो गया है, तो अब इस केक टिन को ओवन में डाल देते हैं। ये पैन बहुत ज़्यादा गर्म है, तो ये वाला स्टेप बहुत ही सावधानी से करें। अब इसे 10 मिनट मीडियम फ्लेम पे बेक करेंगे, उसके बाद फ्लेम को लो करके 20 मिनट और बेक करेंगे।
ब्राउनी बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुका है। चेक करने के लिए जब ये नाइफ इसके सेंटर में इंसर्ट कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल क्लीन निकल रही है। इसका मतलब है ब्राउनी बिल्कुल अच्छे से बेक हो चुका है। तो अब ब्राउनी को इस पैन में से निकाल के और एक कूलिंग रैक पे रख देंगे जिससे कि ये थोड़ा रूम टेम्परेचर पे आ जाए। इसे लगभग 10 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसे कट करेंगे। ब्राउनी अब अच्छे से ठंडा हो चुका है तो इसे कट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ब्राउनी कितने अच्छे तरीके से बेक हुआ है। एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। कोई नहीं बता पाएगा कि आपने इसे गेहूं के आटे से बनाया है, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। आई एम श्योर आपको और आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही मॉइस्ट बनी है ये। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय एंड सी यू अगेन विद माय नेक्स्ट वीडियो।